नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10 Prime vs Xiaomi Poco F3 GT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.37 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10 Prime में 2.97 इंच जबकि Poco F3 GT में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10 Prime में 0.37 इंच जबकि Poco F3 GT में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10 Prime में 192 ग्राम्स जबकि Poco F3 GT में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Redmi 10 Prime से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Redmi 10 Prime में IPS LCD जबकि Poco F3 GT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10 Prime में 6.5 इंचेस जबकि Poco F3 GT में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10 Prime में 83.45% जबकि Poco F3 GT में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10 Prime में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco F3 GT में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 10 Prime में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Poco F3 GT की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 10 Prime में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Poco F3 GT में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 10 Prime में Mali G52 MC2 जबकि Poco F3 GT में Mali G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10 Prime में MediaTek Helio G88 और Poco F3 GT में MediaTek Dimensity 1200 MT6893 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की रैम मिलती है, जबकि Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Poco F3 GT में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10 Prime में अप टू 512GB जबकि Poco F3 GT में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Redmi 10 Prime में 6000 mAh जबकि Poco F3 GT में 5065 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10 Prime में 3 कलर्स जबकि Poco F3 GT में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Redmi 10 Prime में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको F3 GT की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10 Prime में दो फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Xiaomi Poco F3 GT की, तो उसमें चार फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Poco F3 GT आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max है, जो कि 21,999 रुपए में मिलता है। दूसरा OnePlus Nord से 5G है, जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। तीसरा OnePlus Nord 2 है, जो कि 34,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Realme GT Master Edition है, जो कि 27,985 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।